नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे म्यूटेशन इट इज़ अ फिनोमिनाम विच रिजल्ट इन आल्टरनेशन ऑफ डी एन ए सिक्वेंस एंड कंसिक्यूटिवली रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द जीनो टाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स यानी कि म्यूटेशन जो होता है स्टूडेंट ये हमारे नेचर में होता है सडन चेंज होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल में यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ बेस पेयर जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल का जो जीनो टाइप है या फिनोटाइप है वो चेंज हो जाता है द म्यूटेशन दैट अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डी एन ए आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन जो डी एन ए के जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनमें सिंगल एक जगह पर ही चेंज होने की वजह से होता है उसे हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं और सिकल सेल एनिमी है इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट एनिमल्स के केस में पाया गया कि नाइनटी नाइन परसेंट जो म्यूटेशन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं बेकार के होते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे पैडिगरी एनालिसिस की द एनासिस ऑफ ट्रेट इन ऑफ़ अ फैमिली इज कॉल्ड अ पेडिगरी एनालिसिस यानी कि हम जब किसी भी ट्रेड यानि कि जब किसी भी करैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी फैमिली की तो उसे हम पेडिगरी एनालिसिस बोलते हैं द इनहरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड इज रिप्रेजेंटेड इन फैमिली ट्री ओवर फेवरल जनरेशन इट इज़ यूज टू ट्रेस द इनहरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड एबनॉर्मिलिटीज़ एंड डिजीज़ इस पैटेगरी एनालिसिस के द्वारा जो हमारे पूर्वज हैं उनमें कोई डिजीज है और उनसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है या कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसका भी हम पता कर सकते हैं उसे हम ट्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग पैडिग्री एनालिसिस नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर ब्रॉडरी जेनेटिक डिसऑर्डर मे वी ग्रुप्ड इंटू टू कैटेगरीज जो जेनेटिक है वो दो कैटेगरीज में यहाँ पर दिखाए गए हैं एक है मैंडेलियन डिसऑर्डर और सेकेंड है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टूडेंट यहाँ पर एक टेबल में डिफरेंसेस दे रखे हैं बिटवीन मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये देखते हैं फर्स्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर में दीज आर अराइज ड्यू टू अल्टरनेशन इन अ सिंगल जीन ये जो मेटिलियन डिस ऑर्डर्स होते हैं वो सिंगल जीन में चेंज होने की वजह से होते हैं जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है दीज आर कॉज ड्यू टू एबसेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम स्टूडेंट जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो कई केस में ज़रूरत से ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाना है या कभी कम क्रोमोसोम आ जाना, जाना जितने होने चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाना तो उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं नेक्स्ट हैं दे आर ट्रांसमिटेड इन टू जनरेशन थ्रू मैंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो हमने मैंडल्स के लॉस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ये मैंडेलियन डिसऑर्डर ट्रांसमिट होते हैं जबकि क्रोमोसोमल में दे रखा है दे आर ट्रांसमिटेड एज अफेक्टेड इंडिविजुअल इज स्ट्राइल और ये जिस इंडिविजुअल में भी होगा तो वो इंडिविजुअल स्ट्राइल होगा यानी कि अपने कैमिट्स नहीं बना पाएगा नेक्स्ट दे मे बी रिसेसिव